really think you should. तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो? मतलब से बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं आपको एक नया सेटिंग आने वाले फ्री फायर में अपडेट के बाद, अपडेट 20 तारीख को है, तो उसके बाद शायद से अगर सब कुछ सही रहता है तो ये सेटिंग आपको देखने को मिलेगा अपने गेम में। ओके, तो इसका नाम है भाई स्मार्ट थ्रो, और ये भाई इसकी मदद से आप बहुत जल्दी ग्लू वॉल लगा सकते हो। अगर आपका ग्लू वॉल का स्पीड जो है बहुत स्लो है, आप बहुत लेट लगाते हो ग्लू वॉल, तो इसकी मदद से आप जो है अपना ग्लू वॉल का स्पीड बहुत हद तक तेज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो सेटिंग है ग्लू वॉल के ऊपर काम करता है। इसका मतलब अगर ये ऑफ रहता है तो भाई नॉर्मली आप जैसे ग्लू वॉल अभी लगाते हो, मतलब अपडेट से पहले लगाते थे, वैसे लगा सकते हो। मतलब अभी तक आपको ग्लू वॉल के ऊपर एक बार टैप करना पड़ता था और एक बार आपको फायर बटन के ऊपर टैप करना पड़ता था, तब जाकर आपका एक ग्लू वॉल लगता था, है ना। और जितने बार फायर बटन के ऊपर आप टैप करते रहोगे तो आपका अनलिमिटेड ग्लू वॉल लगता रहेगा। शर्त यह है कि आपके पास ग्लू वॉल होना चाहिए या फिर आप अनलिमिटेड कस्टम खेल रहे हो। तो ऐसा था, फायर बटन को आपको यूज़ करना ही पड़ता था ग्लू वॉल लगाने के लिए। लेकिन अगर आप इस वाले ऑप्शन को ऑन करोगे, मतलब स्मार्ट थ्रो को आप ऑन करोगे सेटिंग में जाके, तो आपको फायर बटन प्रेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ग्लू वॉल के ऊपर जैसे आप टच करोगे तो आपका ग्लू वॉल ऑटोमेटिकली लग जाएगा। बस आपको आपका स्क्रीन घुमाना है और डिसाइड करना है कि कहाँ पर आपको ग्लू वॉल लगाना है, बस इतना ही करना है। और ग्लू वॉल के ऊपर अगर आप एक बार टैप करोगे तो एक ग्लू वॉल लग जाएगा, दो बार टैप करोगे मतलब ग्लू वॉल का बटन ही फायर बटन बन जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कोई फायर बटन प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका एक छोटा सा आपको दिक्कत दे सकता है कि अगर आप ग्लू वॉल को पकड़ते भी हो ना, तो फर्स्ट जो ग्लू वॉल है, मतलब एक ग्लू वॉल तो अपने आप ही लग जाएगा, ठीक है। मतलब ग्लू वॉल को बटन को अगर टच भी करते हो तो आपका ग्लू वॉल लग जाएगा। बस बार ऐसा होता है ना कि आपके पास एक ही ग्लू वॉल होता है और आप चाहते हो कि भाई मैं उसको हाथ में लेके सामने जाके लगाऊंगा, ऐसा आप करते हो बहुत से बार, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा अपडेट के बाद इसको ऑन करके, मतलब स्मार्ट थ्रो को ऑन करके ऐसा करने की कोशिश करोगे, तो जैसे आप हाथ में लोगे ना, तो फर्स्ट जो ग्लू वॉल है, एक जो ग्लू वॉल है, वो अपने आप लग जाएगा। आपको कोई भी फायर बटन कुछ भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद आप बस वो जो ग्लू वॉल का बटन है उसमें प्रेस करते रहो और वो अपने आप लगता रहेगा, ठीक है। तो फायर बटन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अपडेट के बाद, मतलब एक ही बटन से सारा काम आपका हो जाएगा। बस थोड़ा सा आदत आपको डालना पड़ेगा कि फर्स्ट जो ग्लू वॉल है ना वो अपने आप लग जाता है, मतलब जैसे आप हाथ में ग्लू वॉल लोगे तो फर्स्ट जो ग्लू वॉल है वो अपने आप लग जाता है, ठीक है। तो छोटा सा मुझे प्रॉब्लम लगा इसका, लेकिन हाँ स्पीड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, खास करके अगर आप कस्टम वगैरह खेलते हो तो आपको पता ही होगा ग्लू वॉल का स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। तो एक ही बटन से आपका सारा काम हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा फायर बटन या फिर कुछ भी प्रेस करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय।